ऊष्मा गति की चैप्टर चल रहा है। अब बात करते हैं कार्नो इंजन की। कार्नो इंजन बहुत मोस्ट है इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कार्नो इंजन फ्रांस के वैज्ञानिक थे कार्नो, जिन्होंने एक आदर्श उत्क्रमणी इंजन की कल्पना की है ना, कल्पना है, जिसमें सभी प्रकार की ऊष्मा की हानि को शून्य माना गया है। माना गया है और ये कल्पना है, और इसमें हम लास्ट में यही प्रूव करेंगे कि आप ऊष्मा की हानि को शून्य नहीं मान सकते हैं ना कहीं ऊष्मा की हानि तो होगी। ऐसे इंजन को कार्नो इंजन कहा गया। इसके द्वारा कार्नो ने यह सिद्ध किया कि किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। ठीक है, चित्र आप इसमें देख ही रहा है, और भी अच्छा देखना हो तो आप आपकी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं मुख्य रूप से चार भाग दिख रहे हैं हमको। ठीक है, इसमें सुचालक जो अंदर कार्यकारी पदार्थ या गैस भरी गई है, जो भी है कार्यकारी पदार्थ, पेट्रोल डीजल हम जो भी यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट है सुचालक T1 स्रोत है, एक बीच में कुचालक स्टैंड है, और T2 सिंक सुचालक है। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं फर्स्ट चरण से कि प्रारंभ में गैस का दाब, ताप और आयतन जो भी है क्या है, P1 V1 T1। ठीक है, सब फर्स्ट में हमने क्या माना, 1 1 1 P1 V1 T1। ठीक है, सिलेंडर को स्रोत के संपर्क में रखते हैं जहां गैस का समतापीय प्रसार होता है। आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है। क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, और प्रसार होता है तब क्या होता है, आयतन बढ़ता है। तो आयतन क्या हो गया, प्रसार हुआ, समतापीय प्रसार में आयतन V1 से V2 हो गया। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं इसमें, इस प्रकार इसमें ली गई ऊष्मा Q1 है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो Q1 बराबर W1 बराबर RT1 log V2 अपॉन V1। ठीक है, ऐसे ही हमन Q1 निकाला है, जैसे ही W1 आया है तो वैसे ही W2 W3 W4 निकालेंगे। तो W1 क्या आया है, RT1 log V2 अपॉन V1। ठीक है, ये W के सूत्र की बात हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए पहले के पार्ट अगर वीडियो नहीं देखे हों तो पहले वो देख लीजिएगा, समझ में आ जाए फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड चरण रुद्धोष्म प्रसार। इसमें याद रखिएगा पहले अपन ने क्या हुआ था फर्स्ट चरण में, ये ध्यान से देखिएगा, ये इस पर बड़ा बारीकी से ध्यान देना, ये इस पर बड़े सवाल आ सकता है कि ये जो है फर्स्ट चरण में क्या था, समतापीय प्रसार था, है ना, क्या था, समतापीय प्रसार। सेकंड चरण में बात कर रहे हैं रुद्धोष्म प्रसार, है ना। तो अब ये क्या है रुद्धोष्म, क्या है समतापीय, सब अगर पहला थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा, समझा होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो पहले वो पढ़ लें। तो सेकंड चरण में रुद्धोष्म प्रसार की बात कर रहे हैं, इसमें सिलेंडर को किस में रख रहे हैं हम, कुचालक पे। ठीक है, मतलब ये जो हमने बनाया है इंजन, इसको पहले हमने रखा सुचालक पे, फिर रखेंगे कुचालक स्टैंड पे, फिर इधर सिंक पे। ठीक है, लाइन से तीनों को एक 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 पर रख के हम बात कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं, अपन ने समतापीय प्रसार हो गया, अब किस पे रखा, अपन ने बीच वाले कुचालक स्टैंड पे। तो इसमें रुद्धोष्म परिवर्तन द्वारा आयतन V2 से बढ़कर क्या हो गया, V3 हो गया। इस प्रक्रिया में गैस का ताप T1 से घटकर T2 हो जाता है, यानी कि अपन ने कुचालक स्टैंड पर रखा है इसलिए ताप क्या हो गया, घट गया। इसलिए इसमें कार्य क्या हो गया, W बराबर R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। ठीक है, ये सारे W1 से लेकर W4 तक के फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद रखने पड़ेंगे। इसमें कार्य क्या हो गया, W2 बराबर R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, समीकरण 2। ठीक है, तीसरा चरण आ रहा है समतापीय संपीड़न। अब फर्स्ट दो चरण में क्या हो गया, प्रसार, पहले में समतापीय, दूसरे में रुद्धोष्म प्रसार, तीसरे में बात कर रहे हैं हम समतापीय संपीड़न की। अब क्या हो रहा है संपीड़न, तो जब सिलेंडर को सिंक के संपर्क में रख कर उसका आयतन घटाया जाता है तो आयतन V3 से कम होकर क्या हो गया, V4 हो गया। इसमें गैस की ऊष्मा सिंक में चली गई, जिसे Q2 से व्यक्त करते हैं। आपका कहाँ गया, ये रहा है ना, ये रहा सिंक, इसमें क्या चली जाएगी आपकी ऊष्मा। ठीक है, तो Q2 बराबर क्या आ गया आपका,
डब्ल्यू थ्री बराबर माइनस आर टी टू लॉग वी फोर अपॉन वी थ्री, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमने क्यू वन निकाला है और थर्ड वाले में हमने क्यू टू निकाला है, ठीक है ना। और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर तो लाइन से निकाल ही रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, और इसमें ये जो माइनस लगाया हमने क्यू टू बराबर माइनस डब्ल्यू थ्री बराबर माइनस आर टी टू लॉग वी फोर अपॉन वी थ्री, इसमें माइनस चिन्ह क्या बताता है कि इसमें प्रक्रिया में ऊष्मा दी गई ऊष्मा को दर्शाता है, यानी कि ऊष्मा हमने सिंक को दे दी तो ऊष्मा उससे तो चली गई, तो उससे ऊष्मा निकल गई, यानी कि माइनस लगाया है, ठीक है। बात कर रहे हैं अब चौथे चरण की। चौथे चरण में बात कर रहे हैं रुदोष्म संपीड़न। तो वही अभी क्या कहता, फर्स्ट में समतापीय प्रसार हुआ, सेकंड में रुदोष्म प्रसार हुआ, थर्ड में समतापीय संपीड़न हुआ और फोर्थ में रुदोष्म संपीड़न, ठीक है। फर्स्ट दो में प्रसार, सेकंड दो में संपीड़न, ध्यान रखें। सीधे स्टेज भी पूछ लेते हैं कि रुदोष्म प्रसार की स्टेज को समझाइए, समतापीय संपीड़न की स्टेज को समझाइए, तो आपको पहले तो ध्यान होना चाहिए भाई किसकी बात हो रही है, ठीक है। सिलेंडर को स्टैंड पर रखकर पुनः संपीड़न किया जाता है और आयतन और ताप टी वन व वी वन कर दिया जाता है। इसमें डब्ल्यू फोर क्या मिलेगा हमको, माइनस आर अपॉन गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू, ठीक है। समीकरण चार, यह इंजन चार चरणों में निरंतर कार्य करता है जिसे निम्न ग्राफ से व्यक्त किया जाता है। ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिएगा बनाइएगा आप। कृपया भले वीडियो पॉज करें, रेजोल्यूशन हाई करें और आराम से इसको आपको दिख ही रहा होगा, तो इसको जहाँ भी आप नोट्स बनाते हैं या कुछ भी नोट करें कम से कम, ताकि जितना लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। इस प्रक्रिया में एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य, कुल कार्य क्या होगा, W बराबर W वन प्लस W टू प्लस W थ्री प्लस W फोर, ठीक है। अब हम निकालेंगे इस इंजन की दक्षता। दक्षता क्या आएगी, यदि कोई भी इंजन उच्च ताप टी वन व निम्न ताप टी टू के मध्य कार्य करता है तो उसकी दक्षता आएगी ईटा बराबर वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, ठीक है। इसकी बात पहले भी हो चुकी है दक्षता की, तो ईटा बराबर वन माइनस टी टू अपॉन टी वन। तो टी टू और टी वन हमने ये जो सूत्र निकाले उससे हम निकाल लेंगे, वैसे भी टी टू टी वन तो हम नाप के बता सकते हैं उसमें प्रयोग में। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकाला वो देखते हैं। तो वातावरण या सिंक का ताप जितना कम होगा दक्षता उतनी ही अधिक होगी, इसलिए यही कारण है कि गाड़ियों के इंजन की दक्षता सर्दियों में बढ़ जाती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि मतलब सिंक का ताप यानी कि जो बाहरी वातावरण है वो जितना कम होगा उतना ही इंजन की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, गाड़ी की कैपेसिटी उसके इंजन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए ठंडे प्रदेशों में मतलब गाड़ी का कैपेसिटी अच्छा रहेगा, है ना। जितना गाड़ी मतलब जैसे गर्म इलाके में चलेगी उतना जल्दी, है ना, हीट हो जाती है गाड़ी, तो उतना रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाती है। और गाड़ी की भी बात नहीं करते हम, इंसानों की ही बात करें तो इंसानों का भी इंजन जो है वो थोड़ा आप खुद समझेंगे कि ठंडे, अगर बाहरी वातावरण थोड़ा ठंडा होगा तो इंसान का भी इंजन जो है मतलब हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा क्या करेगी, अच्छा रिस्पॉन्स देगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना। यही कारण है कि आप देखना सभी ऑफिसों में, सभी बड़े बड़े ऑफिसों में जहाँ भी देखोगे क्या लगा रखे हैं, एसी लगा रखे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो, उनके जो भी कर्मचारी हैं उनकी क्या कर रहे हैं, वो कैपेसिटी एक प्रकार से बढ़ा रहे हैं। इसलिए सभी बैंकों में सब जगह क्या लगा दिए, एसी क्यों लगाएं भाई, मतलब चलो मानना कि हवा के लिए लगाए वो सब बातें हैं, पर अपन साइंस की तरफ से देख रहे हैं ना, अपने टॉपिक से रिलेटेड देख रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, उनकी दक्षता बढ़ा दिए। क्यों क्यों बढ़ाई है, क्योंकि इंजन की दक्षता बढ़ रही है बाहरी ताप या जो बाहरी वातावरण है उसका ताप कम होने पर, वैसे ही हमने इंसान की दक्षता बढ़ाने के लिए भी क्या किया, बाहरी वातावरण को थोड़ा ठंडा कर दिया, ठीक है ना। और मुझे भी ठंड पसंद है, आपको क्या पसंद है आप देखो। तो अब आगे बात करते हैं, इंजन की दक्षता केवल ताप टी वन व टी टू पर निर्भर करती है।
जबकि सिंक का ताप -273 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 केल्विन परम ताप, ठीक है, इसके बारे में बात करी होगी, नहीं करी होगी तो भी बता दूं कि परम ताप क्या होता है, मतलब परम ताप आना असंभव है ना क्योंकि इस टेम्परेचर पे तो क्या होगा, आपकी ये जो मतलब मॉलिक्यूल है सब पूरी हवा ही एक प्रकार से समझो कि हवा भी जम जाएगी उस ताप में, तो यानी कि जो ताप संभव ही नहीं है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस ताप, इसलिए इस ताप को क्या बोलते हैं, परम ताप। तो यह संभव नहीं है, लिख रखा है, सीधी सी बात है कि ये ताप तो संभव ही नहीं है। ये ताप अगर सिंक का होगा तो दक्षता 100% होगी, जो कि ये ताप संभव नहीं है, इसका मतलब दक्षता 100% संभव नहीं है, ठीक है। और द्वितीय नियम मैंने शॉर्ट में समझा दिया है, शॉर्ट में ही है, ज़्यादा एक्सप्लेन वैसे भी है नहीं। तो ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम को दो प्रकार से बांटा गया है, एक है केल्विन प्लांक का नियम और एक है क्लासियस का नियम, ठीक है। तो केल्विन प्लांक का नियम में क्या है, केल्विन प्लांक के नियम को हम इंजन के नियम से भी जानते हैं, तो उसके अनुसार कोई भी इंजन सिंक को ऊष्मा दिए बिना लगातार कार्य नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऊष्मा उसको क्या करनी पड़ेगी, सिंक को देनी ही पड़ेगी तो ही वो काम करेगा सीधी सी बात है, यानी कि ऊष्मा की हानि होनी होनी है, 100% दक्षता नहीं होनी है, पर वो उसी चीज़ को थोड़ा सा घुमा के बात की है, ठीक है। अब आते हैं क्लासियस का नियम, जिसे हम रेफ्रिजरेटर का नियम भी कहते हैं, तो ऐसे ये इनके उपनामों से भी इनके नियम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मतलब लोग भी पूछ रहे हैं कि इसमें से भी इम्पोर्टेंट बताइए, तो सब भाई सारे नोट्स जो मैंने बनाए हैं, मतलब ये जो भी है पढ़ रहे हैं, उसका एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है। किताब में तो बहुत सारा मैटर है, अनशन है, वो भी सब पढ़ाया जा सकता है पर ये केवल आपके इंटरेस्ट जगाने के लिए है, आपका बेसिक बनाने के लिए है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ो, आपको इजीली समझ में आए, जितना इजी हो सकता है उतना इजी मैटर बनाया है, ठीक है ना। क्लासियस का नियम क्या है, रेफ्रिजरेटर का नियम भी जिसे हम कहते हैं, इसके अनुसार ऊष्मा का प्रवाह स्वतः निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं हो सकता, इसे फ्रिज का नियम भी कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह स्वतः नहीं हो सकता, यानी कि स्वतः ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है ना, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर स्वतः नहीं हो सकता, इसका मतलब स्वतः कैसा होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। और सिंक की ऊष्मा स्वतः स्रोत की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती, यानी कि वही बात है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट में बात करेंगे, थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।